सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी लोग घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। आज का हमारा शीर्षक है चांद वाली अम्मा। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने चांद वाली अम्मा कहानी का आधा पाठ पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था कि एक बूढ़ी अम्मा जो बिल्कुल अकेली रहती हैं, किस तरह से अपने घर का कामकाज खुद ही करती हैं और एक किस तरह से आसमान उस बूढ़ी अम्मा को रोज़ परेशान करता था। एक दिन जब बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी भरकर लौट रही थी तो बूढ़ी अम्मा का किसी से झगड़ा हो जाता है और उस दिन अम्मा ज़रा गुस्से में होती हैं। और रोज़ की तरह जब अम्मा झाड़ू लगाने आंगन में आती हैं तो आसमान फिर से उन्हें परेशान करने आता है। अब चूँकि बूढ़ी अम्मा गुस्से में थी तो अम्मा झाड़ू लेकर आसमान को मारने लगती हैं। अब उससे आगे क्या होता है जानेंगे हम आज की कहानी में। तो तैयार हैं आप लोग? आज की कहानी में हम विशेष रूप से चंद्रबिंदु, संयुक्त अक्षर और नुक्ता वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, आसमान को शरारत सूझी। जब बूढ़ी अम्मा आसमान को झाड़ू लेकर मारने लगी तो उसके बाद क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी। सूझी मतलब सोचा उसने। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। झाड़ू, यहाँ पे झाड़ू और पकड़ दोनों ही नुक्ता वाले शब्द हैं, क्योंकि ड के नीचे भी बिंदी है और यहाँ पकड़ में भी ड के नीचे बिंदी है। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कशी शुरू हो गई। रस्सा कशी क्या होता है? ये होता है टग ऑफ वॉर। रस्सा कशी एक संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, यहाँ पे आधा सौ और पूरा सौ मिलके संयुक्त अक्षर बना रहे हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर एक गेम होता है जिसमें दो टीम होती हैं। एक लाइन से हम दो टीम को डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ एक टीम, इस तरफ दूसरी टीम। अब एक रस्सी ली जाती है, उस रस्सी को दोनों टीम अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस रस्सी को जो टीम अपनी तरफ खींच लेती है वो टीम विजेता होती, यानी विनर होती है। तो इसी गेम की तरह ही यहाँ पे भी आसमान और अम्मा के बीच एक तरह से रस्सा कशी का गेम शुरू हो गया था। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा संयुक्त अक्षर वाला शब्द। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। देख पा रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा है और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा है। अम्मा चिल्लाई। चिल्लाई भी संयुक्त अक्षर वाला शब्द। झाड़ू मेरे पास एक ये झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। अम्मा ने चिल्ला के कहा कि मेरा झाड़ू छोड़ दे और मेरे पास सिर्फ एक यही झाड़ू है, लेकिन आसमान ने तब भी झाड़ू नहीं छोड़ा। और बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी कैसा शब्द है, ये भी नुक्ता वाला शब्द है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई वो। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। तो आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान ऊपर की तरफ जाने लगा झाड़ू को पकड़ते हुए। अब झाड़ू का दूसरा हिस्सा अम्मा ने पकड़ा था तो अम्मा भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अम्मा ने चिल्लाकर कहा कि मुझे नीचे छोड़ दे, लेकिन आसमान ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा मत कैसा शब्द है, चंद्रबिंदु। ले चलूं चन 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 गाना 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 गाना।
अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि क्योंकि भी संयुक्त अक्षर वाला क्योंकि, यहाँ पे क आधा फिर य, क्योंकि क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। अगर वो झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे गिर सकती थी। तभी उसे वहाँ, कैसा है वहाँ और चांद, चंद्रबिंदु वाले शब्द, तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। किसे दिख गया चांद? अम्मा को। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया, झट मतलब जल्दी से, और चांद पर चढ़ गई। चढ़ में ढ के नीचे नुक्ता, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा ने अपना पैर जल्दी से बढ़ाया और चांद पे चढ़ गई और झाड़ू लेकिन पकड़े हुई थी। आसमान को फिर शरारत सूझी, आसमान ने फिर से कुछ शरारत सोची। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। जाऊंगा और दूं भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं। तो आसमान ने सोचा कि अगर अम्मा की मदद करेगा चांद तो फिर मैं तो हार जाऊंगा, इसलिए ऐसा करता हूँ, अम्मा को यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित, सहित मतलब साथ, झाड़ू सहित मतलब झाड़ू के साथ, अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी, चांद वाली अम्मा की कहानी? मज़ेदार? चांद तो आप सबने देखा है, क्या आपने चांद पर कभी कोई बूढ़ी अम्मा देखी है? नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि सचमुच में चांद पर कोई बूढ़ी अम्मा होती ही नहीं है। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना, यानी सोच कर लिखी गई कहानी, जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन से जो लिखते हैं उसे हम कहते हैं काल्पनिक कहानी। तो ये एक काल्पनिक कहानी है, इसके लेखक हैं तारा निगम, और असल में तो चांद पर रहना या चांद पर जीवित रहना, वहाँ पे जाना मुश्किल है। अगर वहाँ चले भी गए तो वहाँ पे जीवित रहना बहुत ही असंभव है। क्यों असंभव है चांद पर जिंदा रहना? क्योंकि चांद पर जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि हवा और पानी, यह सब वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नहीं है। जैसे हम धरती पर रहते हैं, धरती पर पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। लेकिन चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए चांद पर जीवन संभव नहीं है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी चांद से रिलेटेड ही, आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चांद किस प्रकार से बना हुआ है और वहाँ पर जीवन क्यों संभव नहीं है। असल में चांद क्या है? चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ ली है। अब आप चंद्रबिंदु वाले शब्द, संयुक्त अक्षर वाले शब्द और नुक्ता वाले शब्दों का अच्छे से उच्चारण करेंगे, और अपनी बुक में जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द आए हैं उन सबके नीचे अंडरलाइन करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। संयुक्त अक्षर वाले सभी शब्दों को आप ऐसे गोला लगाएंगे, और जितने भी नुक्ता वाले शब्द हैं उन सब जे 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 लाएंगे। को कम से कम भी हफ्ते में 5 बार, इस हफ्ते पूरे 5 दिन जरूर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी?
क्योंकि बूढ़ी अम्मा को डर था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। आसमान उसे बहुत ऊपर ले गया था ताकि वो नीचे ना गिर जाए, और दूसरी बात आसमान से उसका पीछा भी छूट जाए। दूसरा है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सोचिए, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था। अगला है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। ये देखते हैं चित्रों में, ये है बूढ़ी अम्मा का घर। यहाँ पे देख के बताइए अम्मा के साथ साथ कौन कौन रहता था। बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से इसलिए टकराता होगा क्योंकि हमने पढ़ा ना, क्योंकि आसमान बहुत ही शरारती था और उसे अम्मा को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है बच्चों, आज का भी यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ की रीडिंग आपको रोज करनी है। ओके, धन्यवाद।